फिर भाई धोखा क्यों बोल रहे हो? बैठने का वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, उठने का है, लड़ने का वक्त है। ये साठ साल से सिर्फ बैठ रहे हम लोग, उठने का वक्त है। अधिकार मिले थे सलामिया, सुनिए मेरी बात को। मैं एक सियासी लीडर हूं, मेरी बात को सुनो। इसलिए कि हालात और वक्त का तकाजा यह है कि अब नौजवानों को उठना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ उठना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर आप जितने लोग आए हैं, आप किस एक और अहम मौजू पर मेरी बात सुनने को आए हैं, मैं जरूर उसका जिक्र करूंगा। और मैं तुमको बताना चाहूंगा नौजवानों, मेरे मिल्लत के गैरतमंद नौजवानों, मेरे बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, यकीनन आज जब दाइस पर देखता हूं मेरे अराकीन असेंबली को, यकीनन मुझे मेरा रुकन असेंबली याद आता। मगर अजीज दोस्तों, आज अगर कौम और मिल्लत का एक बेबाक लीडर अगर आदिलाबाद की जेल में है, तो यकीनन हम खुश तो नहीं हैं, मगर हम अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं, और हम अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल करें। और मैं नौजवानों, मेरे बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, लोग सवाल करते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में है, हेलो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जुल्म किया जा रहा है, यकीनन। मगर मेरे अजीज दोस्तों, क्या अल्लाह कुरान में नहीं फरमाया कि तुमको आजमाया जाएगा? क्या अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुमको भूख और प्यास फलों के नुकसान से आजमाया जाएगा? और जो उसमें सबर करेंगे अल्लाह उनको कामयाब करेगा। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तेरी आजमाइश के लायक नहीं है, मगर अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अजीजा ने मिलत, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुमको आजमाया जाएगा भूख और प्यास और जान से, ताकि फरमा बरदार और नाफरमा बरदारों में एक फर्क पैदा हो जाए, एक फर्क पैदा हो जाए। अजीजा ने मिलत, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? इमाम शाफई ने फरमाया कि जो लोग मुसीबत के वक्त सबर करते हैं और अल्लाह से राजी हो जाते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये मेरा बंदा मसायब और मुश्किलात में सबर कर रहा है, मुझ पर तवक्कल कर रहा है, इसके लिए जन्नत में घर बनाओ जिसका नाम बैतुल हम्द हो, जिसका नाम बैतुल हम्द हो। मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुम भूल गए हदीस शरीफ को कि आज कोई कह रहा है कि तमाम गैर और तमाम मुस्लिम मुत्तहिद हो रहे हैं, यकीनन हो रहे हैं, पूरे मुत्तहिद हो रहे हैं एक साथ? क्या तुम भूल गए नौजवानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक को, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इस तरह से मुत्तहिद होकर तुम पर हमला करेंगे जैसे कोई दस्तरखान पर हमला कर रहा है। क्या आज हम नहीं देख रहे कि कैसे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर, मुसलमानों के इत्तेहाद पर, मुसलमानों की क़ियादत पर, मुसलमानों के कायदीन को खत्म करने के लिए सब एक होकर हमले कर रहे हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारी तादाद कम होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तादाद बहुत होगी, मगर तुम्हें वहन होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है?
तो आखाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से डर। मेरे गैरतमंद नौजवानों, आज जो सारी दुनिया में, सारे मुल्क में, सारे हमारे शहर में अगर ये लोग एक होकर हम पर हमला कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारी माल और जान को जन्नत के वस खरीद लिया। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान में कि मैंने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के वस खरीद लिया। जरा सोचो मुसलमानों, हमारे अपने मुकाम को खरीदार अल्लाह है। अल्लाह जो जमीन और आसमान का खालिक, वो फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को जन्नत के लिए बस खरीद किया है। ये जान तो उसकी, हमारी तो नहीं है ना, उसकी दी हुई है, उसने हमको खून के लफड़े से पैदा किया, दौलत उसकी अदा की हुई है। ये उसकी शान करी में कह रहा है कि मेरे बंदे, मैं तेरी जान और माल को जन्नत के बस खरीद लिया हूं। नौजवानों, तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ, तुम दुनिया की मोहब्बत से आजाद हो जाओ। याद रखो, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। आज के इस जलसे का अगर तुम मुझसे पैगाम लेकर जाना चाहते हो तो सिर्फ ये बात लेकर जाओ कि जब मैं इस दारुसलाम के तारीखी जलसे से बाहर जाऊंगा तो मैं अहद करके उठूंगा कि मैं मौत का खौफ नहीं करूंगा और दुनिया से मोहब्बत नहीं करूंगा। अगर ये जज्बा तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर हम तमाम को तौफीक देगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह क्या फरमा रहा है, उसकी शान करीम ही देखो, खरीदार अल्लाह सुभाना हो ताला। कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बस खरीद लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या हम भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। ये चीफ मिनिस्टर हमारे को जेल में डाल के समझता कैद खाने में डाल रहा, ये कांग्रेस वाले हमको जेल में डाल के समझते कि कैद खाने में डाल। खैर ये सुनिए मेरी बात, जलसे के अख्तिताम के बाद सब नारे मारेंगे, मैं भी मारूंगा साथ, इतना बड़ा नारा मारेंगे कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेंगे अल्लाह के रसूल से और अपनी नारे की गूंज इतनी रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला आदिलाबाद की जेल तक अकबर की कायामत हमारी आवाज पर। तो मैं आपसे कह रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर शुरू हो गया, बड़ा ठहरो, पूरे टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे, यूट्यूब पे डालते होंगे, पुलिस के भी आपने सुना हमारे जलसे में पुलिस के 5 कैमरे हैं। अच्छा है 5 रखो, 500 रखो, मगर तुम याद रखो, तुम मेरे को नहीं पकड़ सकते। मैं सब कुछ बोलूंगा, तुम जो नहीं सुनना चाहते वो भी बोलूंगा और बोल के निकलूंगा इंशाअल्लाह। अजीजा ने मिलत, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये 100 दिन ओवैसी का जलसा नहीं है, ये 100 दिन ओवैसी का जलसा नहीं है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। तो खैरिये खैरिये, सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनिए। अरे गुस्सा दिखाना तो पोलिंग के दिन दिखाना, जब ये पूरा मजमा और आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान, जिस जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, अगर 80 लाख लोग निकलकर अपना मजारा करेंगे तो दुनिया जाएगी। बैठिए बैठिए,
सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात को, प्लीज मेरी बात को सुनो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये हमारे लिए ये मुश्किलात, ये इम्तिहान कोई नई बात नहीं जाने मिल जाती इस्लामिया। अब अहम मौजूद जो प्रेस वाले आके बैठे हुए, जो बेचैनी से बैठे हैं, जो पुलिस वाले बेताबी से सुन रहे हैं, सुनो मेरी बात को। किसी शायर ने अच्छा कहा कि जान मिलत नाले बुलबुल शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो मेरी बारिया, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारिया। सबसे पहली बात मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुशेगुड़ा पुलिस स्टेशन में केस डाला। कोई अग्रवाल साहब है, बाइज्जत आदमी है, बाविखार हो सकते नहीं हो सकते मैं तो नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने कोर्ट में डाला और कोर्ट ने कहा कि केस रजिस्टर करो, तहकीकात करो। हमारे वकील ने मुझे उनका पिटीशन मुझे दिया। पिटीशन में ये मौसूफ लिखते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का तो खैर जिक्र है, खैर सारी दुनिया में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब निकलेंगे, सीटी नहीं, वो जब निकलेंगे वो जवाब देंगे और कोर्ट में भी देंगे। मैं यहां पर अपना जवाब देने के लिए ठहरा हूं। ये साहब लिखते हैं अपने पिटीशन में कि असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा इसलिए आयद किया जाए, मैं कुशेगुड़ा के पुलिस वालों से कह रहा हूं कि मेरा बयान तुम लिखो, मैं तुम्हारे को यहां से मेरा बयान दे रहा हूं, सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस मत दो मेरे, तुम्हारा काम में आसानी पैदा कर रहा हूं, काम में आसानी पैदा करो, मेरे घर पे भी मतलब लाओ, मैं यहां से बोल रहा लिखो। सबसे पहली बात सुनिए, सुन लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये मौसूफ लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दहशतगर्द है। क्यों है? इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज से 4 साल पहले अब्दुल खदीर नामी एक शख्स जिसने एसीपी को गोली मारी थी, उनको 3 लाख रुपए दिए, इसलिए वो दहशतगर्द है। अब्दुल खदीर को यकीनन हम 3 लाख दिए, और तुम मेरा बयान कलमबंद करवा लो कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत दी तो 3 लाख नहीं 30 करोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। और क्यों दूंगा? इसलिए दूंगा कि वो 20-22 साल से जेल में है, वो जुल्म का शिकार है। क्या कानून में किसकी सजा कितनी हो सकती है लाइफ की? 13 साल, 14 साल, आप 22 साल हो गए। सुन लो बीजेपी वालों, मैं 3 लाख दिया ना और दूंगा, भीख मांगूंगा राम के सामने के खदीर के नाम पे, 2 खदीर को, और लेके रहूंगा, तुम देखो मेरी बात को, दूंगा, खुल कर दूंगा, तुम्हारी मां ने जली में तू रख लेके। मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन मर का लाल मुझे रोकेगा खदीर की मदद करने से। मुझे बस्तीए हिंद कानून इस बात की इजाजत देता है कि मैं इसकी मदद करूं। जब लाल किशन अडवाणी, सुषमा स्वराज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जाकर जेल में मिल सकते हैं, तो क्या मैं खदीर के लिए पैसे नहीं दे सकता हूं? बराबर देंगे और देंगे। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अभी बहुत है, लिखिए मौसूफ।
लिख लिए ना आप उसे गुना वाले। अब दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, पौने तीन हो रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं तो खैरिये खामोश, जरा जरा प्लीज खबर। दूसरा पॉइंट क्या है उसमें कि कोई यूट्यूब पे वो वीडियो देखे, वीडियो में ये है कसोद्दीन ओवैसी उस वक्त के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी से लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें टेररिस्ट से केस बुक करो। मैं जाकर देखा कौन सा कब लड़ा मैं, तो मालूम हुआ जब वाटोली ने सात मासूम लोगों को एक खानदान के घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया 2008 में, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भैंसा के पास वाटोली गांव में सात लोगों को जिंदा जला दिया, याद है ना आपको? तो मैंने भैंसा के गेस्ट हाउस में जो जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे उनसे मुकाबला किया, लड़ा उनसे। मुझे पूरा अख्तियार है जमहूरियत में कि मैं लड़ूं, और अगर कोई किसी मासूम को जिंदा जलाता है, मासूम दो साल के बच्चे को जिंदा जलाया गया, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? हां, मैंने लड़ा जाना रेड्डी से, होम मिनिस्टर से मैंने लड़ा, मैं जाना रेड्डी से नहीं बल्कि होम मिनिस्टर से लड़ा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर लड़ूंगा, रास्ता रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा उसको। हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। आवाम ने अगर हमको वोट देकर कामयाब किया तो क्यों किया? थालियां मारने के लिए नहीं। आवाम ने कहा कि तुम मेरी जान और माल का तहफ्फुज़ करना, हम भूख में ठहर कर अपनी उंगलियों को सड़ा देते, गड़ा देते हैं तुम्हारे लिए। औरतें क्या करती है कि मासूम बच्चों को लेकर छह छह घंटे पोलिंग बूथ में ठहर के धूप में वोट डालती है, क्यों डालती है? कि हमारे आस्ते कोई बड़े। हां, मैं लड़ा होम मिनिस्टर से, क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ूंगा। तुम जलाओगे हमारे बच्चों को, तुम संघ परिवार के लोग हमारे बच्चों को जलाओगे, और हम होम मिनिस्टर से नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे बराबर होम मिनिस्टर से, लड़ते रहेंगे जब तक असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में आखिरी सांस रहेगी। हम संघ परिवार से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और ऐसे ही दुनिया से जाएंगे, हम ऐसा नहीं जाने वाले। तो मालूम क्या हुआ, इनको बड़ा गुस्सा आ गया, कैसा लड़े उनसे, क्यों क्या होना आपके, नहीं लड़ना था कहते। वाटोली ने जिंदा जला दी, लड़े तो टेररिस्ट केस बुक करो। अच्छा, तीसरी बात, मैंने आवाज सुनो खाली, देखने की जरूरत नहीं, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं। तीसरी बात उसने क्या लिखा उस शख्स कि मैं बल्दिया इलेक्शन में एक एसीपी से लड़ा, वो यूट्यूब पे भी है सुना, मेरे को नहीं मालूम भाई यूट्यूब। बाद में मेरे को किसी ने कहा कि हाँ ये यूट्यूब है, और बता के जो 2009 में बल्दिया का इलेक्शन हुआ था मैं एसीपी से लड़ा। अरे भाई, जमहूरियत में क्या मैं जाकर पूछ नहीं सकता हूं एसीपी से आप क्यों बोगसिंग करा रहे, क्या आप क्यों गुंडों का साथ दे रहे, आप क्यों जालिमों का साथ दे रहे? नहीं, इनको तकलीफ हुई तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं अब्दुल खदीर की मदद किया, मुझे उस पर फखर है। क्या मैं गुनाह किया? कानूनी तौर पर नहीं किया, और करूंगा इंशाल्लाह ताला, और मदद करेगा। और मैं तो, हम तो हर बार अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, बरसों से अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं हुकूमत से कि छोड़ो उसको छोड़ो, नक्सलाइट को छोड़ो जो पिछले 15-18 साल से जेलों में। हमारा मुतालबा तो यह है कि छोड़ो खदीर को, तुम डालो इस बात पे लड़ूंगा मैं। आप ये समझ रहे केस डालेंगे तो पीछे हट जाएंगे, नहीं हटने वाले। हम जो करें हमको उस पर फखर है, और मजलिस की तारीफ नहीं कि एक बार जो कर दिए फिर उस पर कोई पीछे नहीं हटते, हम पीछे नहीं हटते।
तुम मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, तुम जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ना चाह रहे आई एम रेडी, तुम दूसरा मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे मैं तैयार, मगर एक बात अपने जहनों में बिठा लो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं चुड़िया ट्रेन के लड़ने वालों में शामिल नहीं था। ये केस आ गया। दूसरी बात चीफ मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं है आप। हम कहा बोले आपका ताल्लुक है, बोल आपका तो ताल्लुक किससे है इसने ना भाई, आप तो बहे चाह रहे हो, आपको मालूम नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाह रहा हूं यकीनन मुझ पर मुकदमा है, और मेरे पर मुकदमा क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि मुतंगी के मुकाम पर मस्जिद है, रोड वाइडनिंग के नाम पर मस्जिद को शहीद कर रहे थे, मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ से वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का एक्ट है 1995 का कि आप एक इंच जमीन नहीं ले सकते, आप परमिशन नहीं लिए। मैं गया जाकर बताया भाई मेरे अल्लाह के घर को आप शहीद कर रहे थे, मैं जाके एहतजाज किया, आप दीवार भी तोड़ दिए, बिल्डिंग भी तोड़ा खा गई थी, एहतजाज किए हम एहतजाज किए, हम मानते उस बात को। अब आप आवाम से ताल्लुक मिलाइए, आपसे सवाल ये है कि क्या अगर बगैर कानून को फॉलो करे कोई चीज आप करेंगे तो क्या आवाम का नुमाइंदा जाके सवाल नहीं करेगा, अरे कैसा तोड़ रहे भाई आप, हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, तो लोग यही पूछेंगे ना असद साहब ये आप क्या करें, आप रहते हुए वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं था, आप कैसा इजाजत दे दिए, हम एहतजाज करेंगे, केस बुक हुआ हमारा, ठीक है केस बुक हुआ, मैं कोर्ट को गया ना, आज कह रहा हूं आपसे मैं जाने वाला था पहले ही, तो वहां के पुलिस वाले बोले साहब अभी मत आओ, वो कोई मोहंती साहब एसपी है, उनके जाने के बाद आने वाला भाई मैं आना चाह रहा हूं, नहीं अभी नकुआ अकबरुद्दीन ओवैसी को जब लेकर गए मेरा मैं आ रहा हूं, हाथ जोड़ के बोलते साहब मत आओ, एक को संभालना मुश्किल है बड़े आगे को, मैं बोला ठीक है, मैं पीर को गया, मैं यकीनन करने वालों से नहीं हूं, मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं आप पूरे आंध्र प्रदेश को मुकदमे बुक कराओ, मैं चल के जाऊंगा, मैं लड़ने तैयार हूं, कान खोल कर सुन लो कांग्रेस वालों, मैं जमहूरी तौर से लड़ने तैयार हूं, कानून के जरिए लड़ने तैयार हूं, मैं लड़ाई से पीछे हटने वालों में नहीं हूं, मैं पीठ दिखाकर भागने वालों से नहीं हूं, जमहूरियत में आमने सामने मुकाबला होगा, और मैं तुमको बताऊंगा कि पीठ कौन दिखा के भागेगा, कौन चप्पल छोड़कर भागेगा, और पोलिंग बूथ में आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान जब जाएंगे पोलिंग बूथ को, जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस वालों तुम लिख के रख लो 80 लाख मुस्लिम अकलियत का एक वोट इंशाअल्लाह ताला तुम वोट नहीं मिलने वाला। मैं इस मुबारक जलसे से फर्जंदाने तौहीद से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि क्या जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा क्या तुम किरण और कांग्रेस को वोट दोगे, क्या तुम इनको वोट दोगे, क्या तुम मजलिस को कामयाब करोगे, क्या तुम अकबरुद्दीन ओवैसी को कामयाब करोगे, क्या तुम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कामयाब करोगे।
दिन के ऊपर। अजीजा ने मिलत इस्लामिया, मेरी बात जरा सुनो, सुनो सुनो सुनो, ये सामने बैठने वाले बहुत गड़बड़ कर रहे, प्लीज सुनो सुनो। 3 दिन से मैं गवर्नमेंट का मेहमान रह के आया, थोड़ा ख्याल करूंगा। जेल में रखे हमारे को, माता जेलर परेशान, रोज मेरे को बोल रहा आके साहब नहीं, 11:30 बजे आया, आप मस्त सो रहे थे। मैं बोला क्यों भाई, परेशानी की बात क्या है? नहीं यार, जेल में तो नमाज सोते नहीं, आप मस्त सो रहे थे, हमारे को सोने की आदत है। जैसा कि शायर ने कहा कि तेरों के साय में पल के जमा हुए हम, खंजर हलाल का खूनी शाहमान। इन्हें परेशान है, SB के लोग आके पूछ रहे इनकी तबीयत कैसी है, इन अच्छा सो रहे, अच्छा खा रहे। मेरे को बोले नहीं साहब, जेल का ही खाना देते। मिला वही दे दो भाई, मैं खाना मेरे को फिक्र नहीं, तुम जो दिए खाता हूँ। हमारे को 3 दिन रखे, जरा प्लीज ख्याल करिए आप। अकबरुद्दीन उवैसी की कसम, अजीजा ने मिलत इस्लामिया, मैं आज आपके सामने एक वाकया का जिक्र कर रहा हूँ। मैं एक वाकये का जिक्र कर रहा हूँ कि शायद 1980 के किसी वक्त की बात है। मरहूम फायज सालार मिल्लत को शहर बदर कर दिया गया, फिर शहर से लेके आए तो फिर खान से चंचलगुड़ा या फिर मुशीराबाद जेल में रखे। हमारी एक कुकेरी बहन अमेरिका से आए थे, वो मिलने गए तो मैं और अकबर, शायद हम लोग 11 और 12 साल के थे, हम लोग भी गए हमारी कुकेरी बहन के साथ। जब जेल के अंदर गए तो एक जालिम जेलर था, उसने कहा कि नहीं सिर्फ 2 लोगों को इजाजत दे दो। तो हमारी बहन ने कहा कि देखो ये सलाहुद्दीन साहब की बहन है और मैं उनकी बेटी हूँ, दो छोटे बच्चे, दो नहीं दो ही लोग जाने, हम दोनों बच्चों को अंदर लिए और बाहर रोक लिए। आप सोचिए कि मैं अपने वालिद को 1.5 महीने से नहीं देखा था और बड़ा बेचैन था कि मैं अपने वालिद को देखूंगा। तो हिम्मत करके मैं ऐसा अंदर गया तो वहां जो पुलिस वाला था हाथ पकड़ा मेरा, मैं बाहर बाहर जाओ, और मैं अपने वालिद मरहूम सालार को देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरी उम्र 12 साल की थी, रोना शुरू कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सियत तुमको बता रहा हूं, ये शख्स आया और उसका पुलिस वाले का हाथ झटका था तो कैसा मेरे भाई का हाथ था। मैं मिलूंगा, मैं अपने बाबा से मिलूंगा और मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाकर चलो भाई आप। ये 11 साल में यह हाल था, ये 11 साल में ये रंग था। अब अगर मैं उनकी उम्र बोलूं तो उनको बड़ी चिढ़ाती हूं उनकी उम्र बोले तो। वो हमेशा अपने आप को कलरफुल समझते, इंशाल्लाह अल्लाह उनको हमेशा कलरफुल रखेगा, अल्लाह उनको कलरफुल रखेगा, वंडरफुल रखेगा और हमेशा अल्लाह उनको मुजाहिद बनाकर रखेगा। ये 11 साल में ये हाल था अकबरुद्दीन ओवैसी का। मरहूम फायज जब देखे दौड़ते आए और आकर हम दोनों को अंदर लेकर गए। अजीजा ने मिलत, हमने अपने बचपने में हमारे स्कूल में, स्कूल के बच्चे हम पर ताना मारते थे, अरे शहर में फसाद होगा तुम्हारे बाप को पकड़ लिए शायद। हम वो ताने सुन के बड़े हुए, हम अपने वालिद को जेलों में देखे, घर में कम देखे। हम अपने वालिद को जलसे सुने, रातों में हम जाते थे दौड़ों के, हमें पाशा खादरी गवाह है। अजीजा ने मिलत, यकीनन हम कमजोर हैं, हो सकता हमसे गलतियां हुई होंगी, मैं कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं फरिश्ता हूं, यकीनन इंसान हूं, मगर मेरी रगों में जो जिस बुजुर्ग का खून दौड़ रहा है
वो अब्दुल वाहिद ओवैसी का खून दौड़ रहा है। सुनो जालिम कांग्रेस वालों, तुम अगर ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि हम किसकी नस्ल है। हम अब्दुल वाहिद ओवैसी की नस्ल है, और वो अब्दुल वाहिद ओवैसी जिसने बादल से समझौता नहीं किया, 11 महीने जेल में रखा गया अब्दुल वाहिद ओवैसी को, 11 महीने जेल में रखा गया एक 6 फीट बाई 6 फीट के कमरे में, मगर इस शख्स ने बातिल से समझौता नहीं किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बैंक के अकाउंट को बंद कर दिया गया। आज मेरे चचा यहां पर बैठे हैं, एक चचा का मेरा इंतकाल हुआ 1 महीना पहले। ये दोनों मुझसे कहते थे कि मियां वो ऐसा दौर था कि हम लोग फिसल बंडे से उस्मानिया यूनिवर्सिटी पैदल जाते थे, घर में पानी बंद कर दिए थे, और हमारी इनकी वालदा को अपने घर का जेवर बेचना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी घर की खवातीन महबूबिया स्कूल को जाकर पानी पीते थे। आज तुझे कहना पड़ रहा है, बताने के लिए कोई एहसास या फखर के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात का पूरा अल्लाह पर भरोसा है। मुझे खुशी है कि मैं इसी नस्ल में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, कि हमने मसायब और मुश्किलात का सामना किया, मगर हमने कभी बातिल से समझौता नहीं किया। मसायब उठाए, मुश्किलात उठाए, लड़ा हमने। दारुसलाम का 11 साल तक मुकदमा लड़ा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। यहां तुम जो देख रहे हो मुसलमानों, ये बिल्डिंग, ये इमारतें, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत के अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं, ये अल्लाह से खौफ की निशानियां हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी की निशानी है, ये दारुसलाम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की निशानी है कि हम मर भी जाएंगे तो यहां पर दफन नहीं होंगे, तुम्हारा या कौम इसकी मालिक है। हम मुकाबला किए हुकूमतों से और मुकाबला करते रहेंगे। ऐसे चीफ मिनिस्टर बहुत आए चले जाएंगे इंशाअल्लाह होता। हमको जिससे निस्बत है, हमको जिस नाम से निस्बत है, हमारा ताल्लुक किससे है? हजरत ओवैसी करनी से, जिसने अपने पूरे दांतों को निकाल दिया रसूल अल्लाह के लिए। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी 10 महीनों के लिए जेल की सोबत क्या बर्दाश्त नहीं करेगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान के रजाने देने के लिए तैयार नहीं होगा? यकीनन होंगे, इसलिए होंगे कि अल्लाह ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे जान और माल को जन्नत के वस खरीद दिया। ये जालिम लोग जेल में डालकर समझ रहे कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। नहीं होंगे, हमारे हौसले नहीं पस्त हो सकते। हम लड़ते हुए जाएंगे, सीरत तान कर जाएंगे, हम कभी भी नहीं दिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर किसी एक आदमी के पास पैगाम पहुंचा, हमारे दोस्त के पास। चीफ मिनिस्टर जो है आपके मुखालिफिन को क्या बोले, मेरे को 3 करोड़ रुपए देंगे कभी। हमारे मुखालिफिन केबल चैनल शुरू कर रहे, उन्होंने कहते बड़े बड़े गुंडों को मैदान में उतारेंगे और उन्होंने ऐसे इलेक्शन में ऐसा करेंगे। मैं बोला ये क्या, ये सही बोल रहे आप? तो हाउ भी उन्होंने आके बोले। मैं बोला क्या पागल हो गया? 3 करोड़ रुपए देते कहते हो, 3 करोड़ रुपए में फॉर्म बिकती है लाहौल बला। अरे बिकने वाले बिकते होंगे, हम रसूल अल्लाह के नाम पे बिकने वाले हैं, हम रसूल अल्लाह के नाम पर बिकने वाले हैं। लगाओ बोली, फॉर्म इतनी कमजोर नहीं है कांग्रेस वालों, आप गुंडों को उतारेंगे, उतारो गुंडों को, आप गुंडों को उतारो, फिर देख लो शहर में क्या होगा। अच्छा पुलिस की बात, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर केस बुक कर दिया। अच्छा करे भाई कोर्ट से आना ना। सीआरपीसी का सेक्शन है कि 2 क्राइम अगर 1 क्राइम के ऊपर कई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकते। तो बाद में मेरे को कोई बताए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो इंस्पेक्टर है
वो करप्शन में सस्पेंड हुआ था तो चीफ मिनिस्टर उसको बहाल करे, मगर हाईकोर्ट ने केस कर रहा इसलिए वो वफादारी निभा रहे, अच्छी बात है। अब हाईकोर्ट में पार्टी बनेंगे, तुम ये करे ना हम वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लिख लो पुलिस वालों, मैं बोल रहा हूं खुल के बोल रहा हूं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्टर का केस हाईकोर्ट में चल रहा है। नहीं नहीं जी, क्या तुम मैं देख रहा हूं कहा मालूम बैठो। अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, इम्प्लीड होंगे तुम्हारे केस में, कैसा करप्ट अग्नि इंस्पेक्टर रह सकता भाई, कैसा करप्ट अग्नि इंस्पेक्टर रह सकता बताइए। इम्प्लीड होंगे अब हम इंशाल्लाह, आप तैयार हो जाओ, तैयारी करो। तीसरी बात पुलिस के ताल्लुक से, कल टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रिपोर्ट आई कि कमिश्नर पुलिस ने जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राकीन के खिलाफ एनडीडब्ल्यूज और वारंट है निकालो बोल के आर्डर दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं ये कि कमिश्नर पुलिस साहब से पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस का एक लीडर था जो गांधी भवन में फर्नीचर जलाया, उसके ऊपर भी एनडीडब्ल्यू है, केस है, आप क्या करें। कांग्रेस का एक यूथ लीडर है, रिलायंस के दुकानों को जलाए तो रहे, वो आप क्या कर रहे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक मिनिस्टर साहब थे, पासपोर्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट ऑफिसर को मारे, उनका भी है, क्या कर रहे आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, महबूब नगर का एक मिनिस्टर था, टीआरएस में चला गया, वो मारा ऑफिसर कलेक्टर के, वो केस है, आप क्या कर रहे। बहुत बोल सकता हूं मैं, आप इतना याद रखिए कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मेरी लड़ाई जमहूरी अंदाज में हुकूमत से है, पुलिस से नहीं है। और ये हुकूमत कब तक रहने वाली है, मैंने कह तो उसके बाद क्या होता, एक साल ही बाकी रहता। आपको मालूम ना लोग वापिस नहीं आने वाले, मैं आपको मालूम, उनको बोल रहा हूं, उनको वापिस नहीं आने वाले, तो कई को साथ दे रहे भाई आप को दो साथ उनको, उनको नहीं आने वाले, मैं तो आके रहूंगा इंशाल्लाह। आज साथ है ना, ये साथ भी आएंगे और इंशाल्लाह ताला साथ से ज्यादा होगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि जीतने वाले घोड़े का साथ दो, ये लंगड़े टट्टू का साथ छोड़ दो। आप कानून को फॉलो करो, सब बराबर है, आप तरफदारी मत करो, आप तरफदारी मत करो, जो कानून तोड़ा उसके लिए बराबर है। और एक आईपीएस ऑफिसर है, बैठिए बैठिए सुनिए, छोड़ दो छोड़ दो, सुनो मेरी बात को जरा, क्लाइमेक्स पे आ रहा हूं मैं, सुनो। एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें जाते ही नहीं शहर से, छह साल से शहर में थे। जब ये वाकया हुआ चार मीनार की मंदिर का, उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, सब चीज में उनका रोल। फिर मेरे को टेक्स्ट मैसेज किया एक दिन अचानक, क्या एमपी साहब आप हमसे बड़े नाराज हैं। मैं अचानक डर गया कि भाई मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं, ये कौन सा, मैं समझा नहीं। मैं बोला किसका है भाई, डर गया, क्योंकि आजकल आप देख रहे ना स्टिंग ऑपरेशन होता, मैं देख के हंसा, बोला अच्छा अब इनको हम याद आए। नहीं, आपकी वफा की और मोहब्बत की बातें नहीं, आप जो रोल अदा कर रहे हो सारी दुनिया जानती। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस हुकूमत से है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फिरकापरस्त गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, ये गवर्नमेंट आवाम पर बोझ आयद कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के और फी के कीमतों में इजाफा कर, फ्यूल सरचार्ज लगा दिए, 8000 करोड़ का सरचार्ज लगेगा, 5-8-10 हजार करोड़ का इजाफा होगा,
अपनी हुकूमत के खिलाफ हमको इख्तियार लड़ने का, आप बिल्कुल इसमें आते हो, आप हरगिज बताओ, आप रेफरी करो, डाको बॉक्सिंग मैच हो रहा है समझो, नाकाउट करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अजीजान मिल्लत, बातचीत करो दिलों में सिर्फ तफरी, हम ये सवाल करना चाहते हैं, हुकूमत से हम पूछना चाहते हैं, वो सानी साहब पे केस लगाया, 121 क्यों नहीं लगाया, अकबरुद्दीन ओवैसी पर हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम, आप बताइए अजीजाने मिल्लत की और नहीं तो क्या है, आप ये हुकूमत के पैगाम दे रही है कि आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान गद्दार हैं, यकीन अकबरुद्दीन ओवैसी हर मुसलमान की आवाज है, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी पर 121 लगाकर यह पैगाम दे रहे हो कि हम गद्दार हैं, इस मुल्क का वफादार नहीं है, क्या इंसाफ की बात है? मैं दावत फिक्र दे रहा हूं तमाम सेकुलर जमातों को, चाहे वो तेलुगु देशम हो, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, या टीआरएस हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो, गौर करें इस बात को, 121 लगाए आपको और रिंटो गाड़िया को कहीं मैं पकड़ दिया, वो स्वामी जी की पुलिस कस्टडी ली आप इतने दिन के लिए, बेल की मुखालिफत करें आप, बेल मिल गई उसको, बेल मिल गई उसको, 121 यहां पर लगा, आज हमारे को बेल नहीं मिली आदिलाबाद में, अकबरुद्दीन ओवैसी बीमार है, अकबरुद्दीन ओवैसी की पेट में आंखें चिपक रही हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का गुर्दा काम नहीं कर रहा बराबर, अकबरुद्दीन ओवैसी बीमार है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर तबीयत बिगड़ जाएगी तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे हम तो बोल रहे हैं सेहत को देखो मगर नहीं, अरे हम बोल रहे हैं डॉक्टर को मंगवाओ तो बोले नहीं, उठा के चल नहीं सकते तो खंधे में हाथ देकर लेकर के, आपने देखा ना वो तस्वीर, आप बताइए अजीजान मिल्लत ये जुल्म नहीं है तो क्या है, 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 हमसे दुश्मनी निकाल नहीं, इन्हों हमारे को ऐसा बोले थे सबक सिखाएंगे, उनको सिखाओ, मगर आप याद रखो, और फिर अखबार वाले लिख रहे कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद कोई पार्ट पॉलिटिकल पार्टी इनके करीब नहीं आएंगे, हम अछूत हो गए ठीक है, अनपॉलिटिकल अनटचेबल है हम, ठीक है हम हैं, मगर तुम याद रखो असदुद्दीन ओवैसी दारुसलाम के इस तारीखी जलसे से ये ऐलान कर रहा है, कह रहा है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को, गयूर मुसलमानों को, सियासी पार्टियों की हमको जरूरत नहीं है, हमारी बखा के लिए, हमारी बखा के लिए हमको अल्लाह का, अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो सारी दुनिया को फतेह कर लूंगा, अगर हजारों सियासी पार्टियां भी मेरे साथ हैं और अगर मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मेरे साथ नहीं है तो मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की जरूरत थी है और रहेगी, मुझे अल्लाह कामयाब करता आया और करता रहेगा, मुझे अल्लाह अपने फजल और करम से कामयाब किया, मुझे अल्लाह अपने रहम और करम से कामयाब किया, अल्लाह अपने नबी के सदके में मुझे कामयाब किया, मैं किसी सियासी जमात की बीक पर कामयाब नहीं हुआ, मैं अगर कामयाब हुआ तो इन गरीब मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से कामयाब हुआ, अखबार वाले इतनी नहीं, इन्हें अछूत हो गए, कोई सर पर लगवाओ भाग, हमारे को हाथ लगा है तो शॉट लगेगा आपको देख के, कोई साथ नहीं ना इनके, बड़ी फिक्र है इनकी नियादे लगवाओ, हम बताएंगे हम क्या है, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हिंदुओं के खिलाफ है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है ना हम हिंदू मजहब के खिलाफ है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं,
हम संघ परिवार के खिलाफ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ है कि वो चीफ मिनिस्टर था और उसकी नाक के नीचे गुजरात में 3000 मुसलमानों की खून की होली खेली गई। हम लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, मगर बीजेपी को दिल्ली में कामयाब होने नहीं देंगे। ये हमारा आजम है, ये हम अहद करते हैं। हम रोकेंगे मोदी को, हम रोकेंगे बीजेपी को, हम रोकेंगे हिंदुत्व की ताकतों को। अरे ये कांग्रेस वाले कुछ भी कर ले, तुम हमको देखो, इनको कैसा रोकते। तुम्हारे पास ताकत नहीं है रोकने की, हमारे पास है। तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारे पास जिगर नहीं है। अरे दिल और जिगर तो हमारे पास है, अरे खौफ हमारे पास जमा नहीं हो सकता। तुम डर के मुकाबला करके, हम तो कूद जाते कफन पहन के, लड़ेंगे बीजेपी से, रोकेंगे बीजेपी। और फिर ये बीजेपी वाले बोलते नहीं, बोले 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 क्या बोले, अहमद बादशाह खादरी बोले, महात्मा गांधी के खिलाफ बोले, नहीं, हम महात्मा गांधी की इज्जत करते, हम महात्मा गांधी की इज्जत करते। जब ये मुजस्मा लगा असेंबली में, उस वक्त मैं एमएलए था, स्पीकर रामकृष्ण गुरु थे, मैं उस कमेटी का मेंबर था जो मुजस्मे की तनसीब की कमेटी बनी। रिकॉर्ड में जाकर देखा, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम इज्जत उनकी करते। तुम गलत बोल रहे हो, हमारे पास खाते की तस्वीर को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हो। हाँ, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो तुम, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो तुम, सुनो, कान खोल के सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी नजर में, मेरी राय में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर बाबा साहब अंबेडकर था, महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था अंबेडकर। क्या तुम क्या करोगे तो बताओ, मैं तो फेसबुक करोगे तो करो। मेरी नजर में, मेरी राय में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर चंद्रशेखर आजाद था। मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर भगत सिंह था। मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर वो मुसलमान लोग थे जिन्होंने रेस की रुमाल की तहरीक चलाई। मैं तो तुमसे बड़ा लीडर मानता हूं, क्या कहते तुम देखो। क्या मेरा अख्तियार नहीं है, मैं अपनी राय नहीं रख सकता, रखूंगा मैं। अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से बड़े लीडर है, सब दिनों में मानता। तुम नहीं मानते मत मानो। पर गांधी को कत्ल करने वाले हमारे को बोल रहे, हम खिलाफ हैं। कौन था नाथूराम गोडसे, तुम्हारा ये चट्टे बट्टे का था ना, कौन था ये गोली मारने वाले, हमदर्दी की बात कर रहे, कौन सा तारीख खोलो गए। अब्दुल गफूर नूरानी की किताब कुछ सामने रखकर बात करूंगा मैं, तुम जवाब नहीं दे सकोगे। नहीं बादशाह खादरी महात्मा गांधी की बेइज्जती करे, नहीं, हम इज्जत करते, मगर हम अंबेडकर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, और वो जो मुस्लिम कायदीन ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, उनको मालिकर ने। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, ठहरो, आवाज सुनना है, बात सुनना है, मेरी बात सुनो, अहम बात कह रहा हूं तुमसे। असदुद्दीन ओवैसी की नजर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल लीडर गुजरा तो अब्दुल वाहिद ओवैसी गुजरा, दूसरा कोई नहीं है लीडर। आजाद हिंदुस्तान की तारीफ में अगर जिसने आवाम के दिलों पर हुकूमत की जो सबसे बड़ा लीडर गुजरा वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। मैं कहता हूं तुमको इख्तलाफ है, करो, ये हमारी राय है, जमहूरियत में हमका अख्तियार है, हम बोलेंगे इस बात को। नहीं आप ऐसा बोले, क्या बोले, दौड़ रहे कोर्ट को जा रहे, केस रिफर, केस है, कानून है नहीं है, कानून अपना काम करेगा। इनकी फिरका परस्ती तो दिखकर आ गई ना,
मैं जब कह रहा था देखो अकबर की तकरीर, हुकूमत एक बहाना बना रही है मजलिस के खिलाफ, मजलिस को बदनाम करने की कोशिश। अजीजाने मिल्लत, मेरी गिरफ्तारी इस बात को साबित कर दी कि ये हुकूमत मुस्लिम क़यादत के खिलाफ है, ये हुकूमत यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के खिलाफ है, ये हुकूमत अब्दुल रहीम कुरैशी के खिलाफ है, ये हुकूमत हर वो मुस्लिम कायद के खिलाफ है जो इसके जुल्म पवान के दरमियान में जाकर इंतकाफ कर रहे हैं। मेरे को गिरफ्तार कर हो गए ना एक्सपोज, आप करने कुछ और गए, सेल्फ गोल कर लिया। मुझे गिरफ्तार करके तुमने मेरी बात को सच साबित कर दिया कि तुमने अकबर को गिरफ्तार क्यों किया। कोर्ट में सही बहस हुई इतने दिन के बाद एफआईआर। मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कहता है तो फौरन हरकत में आना चाहिए। आपको 15 दिन लगे, आप सो रहे थे क्या? अजीजाने मिल्लत, ये दुश्मनी हमसे, ये एक जहर है हमारे खिलाफ। मैं तुम्हारा हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं नौजवानों, मैं तुम्हारा हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं। क्या यही अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं था जिसने मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, इसने मजबूर किया इस चीफ मिनिस्टर को हमारे इलाकी ने असेंबली ने कि तुमको माफी चाहना पड़ेगा, मजबूर किया है चीफ मिनिस्टर हिजकी चाहते बड़े शर्मिंदगी से उठके बोला यस आई एम सॉरी, इनको तकलीफ हुई। यही मजलिस के राकी असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में 50 एकड़ जमीन बाबा शरफुद्दीन की हासिल किए, इनको गुस्सा। यही मजलिस के राकी असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुसलमानों का अक़लियतों के खिलाफ बजट जो पेश किया गया वो नाकाफी कहकर लड़ा। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची असेंबली ने चीफ मिनिस्टर को एक्सपोज किया कि फी रीइंबर्समेंट बच्चों को नहीं मिल रही है, घरों में हमको हमारा शेयर नहीं मिल रहा है। ये जहर इनका, ये फिरका परस्ती का जहर। इनको और गुस्सा क्या है कि हम आसाम को गए, हम आसाम को भाई, जब आसाम को गए तो किसकी मदद की हम भाई? हम अपने मुल्क की मदद किए ना, हम तो हिंदुस्तानियों की मदद किया आसाम जाकर। क्या हमारा जाना गुनाह किया? पागल बाबा कर रहे, 3.5 लाख मुसलमान आसाम के रिलीफ कैंपों में रह रहे थे, रमजान का महीना था, भूखे रह रहे थे, हम जाकर उनका साथ दिए। 1 करोड़ से ज्यादा की रिलीफ हम बांटे, डॉक्टरों को लेकर गए, दवाएं बांटे, उन कैंपों में गए जहां पर पुलिस नहीं जा सकती थी, जान को अकेली पर रख कर गए। बाजाबता डरा गया मुझे कि बोलो तुमको मार देंगे, मैंने कहा मरना है तो एक दिन मरने वाला मैं जाऊंगा वहां। चिरांग जिले में कोई नहीं गया था, हम गए, हमारे डॉक्टरों को लेकर गए, पुलिस जो हमारे साथ आ रही थी, 2 गाड़ियां थी, 1 गाड़ी रुक गई, 1 गाड़ी वाले बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं जा सकते, नहीं जाऊंगा मैं। 2000 लोगों का कैंप, वहां पर खाने को खाना नहीं था, 200 बच्चे बीमार थे, दवाएं पहुंचाए। इनको ये गुस्सा है कैसा है, आसाम को गए, क्या हम गलती किए बताओ मुझे? गुजरात के बच्चे जेलों में, क्या मदद किए, क्या गलती किए? अगर अब्दुल खदीर की रिहाई की बात करें तो क्या गलती कर रहे हैं? अगर आज भी वरंगल, नेल्लूर, कड़पा, वेस्ट गोदावरी, वैजाग में अगर हमारे मुस्लिम बच्चे 8-8 साल से जेलों में सड़ रहे, अरे ये चीफ मिनिस्टर से बोले रहे यहां लाओ हैदराबाद को, उनको इनकी बच्चों के, इनके माओ के पास पैसे नहीं है वैजाग जाकर अपने बच्चों को देखने के लिए, तो क्या हमने गुनाह किया? अगर हमने कहा कि लाओ, अरे केस चलाओ, केस चला के सजा दो इन बच्चों को, तुम ना केस चला रहे ना उनको हैदराबाद को ला रहे। दारुसलाम पर उन बच्चों का भाई आकर उसका चेहरा देखकर रोना आता मुझे, आके खाली बढ़ जाता कि सब भाई क्या करेंगे बताओ, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हम भूल जाएंगे हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे 4-4 साल से वैजाग की जेल में, कड़पा की जेल में, नल्लूर की जेल में, उनके मां बाप के पास पैसे नहीं दिए जाने के लिए, तो क्या मैंने गुनाह किया बताओ मुझे?
ये इनको गुस्सा, ये चाहते ये है कि आपकी आवाज खत्म करके रख दिया जाए, आपको गूंगा बना दिया जाए। इनको गुस्सा इस बात का है कि कोई इनके सामने खड़े होकर इनकी आंख में आंख डालकर बोलता है कि ये गलत है, ये सही करो। मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, ये मेरी आदत, मेरी फितरत है। इसलिए फितरत है क्योंकि मेरे रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बेहतरीन जिहाद वो है कि तुम एक तागूत के सामने खड़े होकर हक को बयान करो। वो हम काम करो, आपको तकलीफ क्या बताइए आप, ये कोई नहीं करना। कैसा बोले आप बच्चों के बारे में, पार्लियामेंट में खड़े होकर तस्वीर करते हम, और हमको अल्लाह बेहतर जानता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमको मिनिस्ट्रियों से औहदे से कोई मतलब नहीं, नहीं हमको, हमको लाल गाड़ी नहीं चाहिए। मेरे भाई तुम बनाओ मोहम्मद अली शब्बीर को मिनिस्टर, तुम बनाओ किसी और को बनाओ, अरे हम तो दौड़ेंगे, हम तो इस फौज के सिपाही है भाई, तुमको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं चाहिए हमको औहदे। मुझे सिर्फ मिल्लत से मतलब है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे औहदे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक दे दो, मेरे बच्चों को रिहा करो, मेरे बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल दो, मुझे इज्जत का एक नजर से देखो, मुझे मेरा जायज मुकाम दो इस मुल्क में, मैं इस मुल्क में नंबर एक का कैदी हूं, मैं यहां पर किराएदार नहीं हूं, मैं तुम्हारे औहदे नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी, जो सौ दिन हुए इसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। जेल में मैं हूं, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे गले अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी ना काफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए। एक औरत ऑटो में बैठकर मीर महमूद साहब पाड़ी से आती है, कंडी जेल को आती है, दो दिन आई, सुबह 7 बजे से आके खेली, मेरे को मेरे बच्चे से मिलना है। और वो मीर महमूद साहब की हमारी मां, मैं जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा 94 में, जब कभी मीर महमूद साहब पहाड़ी गया तो उसे घर को जाके दूध का ग्लास को तो अल्लाह सलामत रखे उस औरत को। ऐसे लाखों में जिनको मैं नहीं जानता मगर दुआएं करते हैं, वो औरत रोते हुए आई, आके बोली अरे मेरे बच्चों को देखना। जेलर परेशान, कहा है साहब 2 दिन से आके बैठे, बोला बुलाओ भाई मिला दो मेरे। ये मोहब्बत है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं मिल सकती, जो किसी मिनिस्टर को नहीं मिल सकती, और मैं कुर्बान हो जाऊंगा इस मोहब्बत को। यकीन हम जज्बाती है, क्यों नहीं होंगे, हम जिंदा खौम है, मगर इनको पसंद नहीं है, इनको ये पसंद नहीं है, लालच दे रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, खत्म कर दो। अरे क्या खत्म करना भाई, कोई खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म हो गए इंशाल्लाह। और तुम गलती किए, तुमने अगर थोड़ा सियासी अकल होती तो तुम ये झगड़े को आंध्र प्रदेश के तक रखते, मगर तुम इतना बाजा बजाए अकबर का कि मेरे को पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे। अब मैं डिवाइन में नहीं हूं, अकबर डिवाइन में आ गए। यकीनन इस मजमे में बैठे हुए बहुत से भाई होंगे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई को बड़े भाई से जानते, या मामला उल्टा हो गया, या मामला उल्टा हो गया। पहले लोग फोन करके बोलते थे आप आइए झारखंड को, लोग बोलते थे आप आइए कर्नाटक को, लोग बोलते थे आप आइए यूपी को बिहार को, अब लोग बोल रहे हैं उन्हें निकलते कि उनको वहां बिठा दो आप लोग को। ये आपकी वजह से, इसकी जिम्मेदार यहां की कांग्रेस हुकूमत होगी, मैं नहीं चाहता हूं ये, मगर इसके बावजूद भी मैं तुमसे कह रहा हूं कांग्रेसियों, हम 2014 में नरेंद्र मोदी रहने दो, कोई रहने दो, उसको तो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाल्लाह, होता हर किस नहीं बनने देंगे। जिसकी सियादत में कतलेआम हुआ हम मरेंगे जमहूरी अंदाज में। और फिर ये बीजेपी वाले
मंजलिस भाई साहब, मंजलिस भाई साहब, मंजलिस को बैन लगाना कहते। शिंदे, शिंदे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शिंदे ने क्या बयान दिया? शिंदे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की तंजीम दहशतगर्दी को फरोह दे रही है। ये डालो शिंदे को, तुम डालो शिंदे पे केस, क्यों नहीं डालते तुम शिंदे के ऊपर केस? अगर वही बात मैं बोलता तो केस डालते, अब तुम शिंदे पे क्यों नहीं डालते? अजीजान मिलत, मैंने जब तुमसे कहा, आपसे कहा कि हमारी लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है, तो देख लिया आपने कि शिंदे के खिलाफ सबसे खिलाफ क्यों है शिंदे के लोग? शिंदे से नफरत क्यों कर रहे संघ परिवार वाले? क्योंकि शिंदे साहब दलित हैं, शिंदे साहब दलित हैं, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर दलित है, इसलिए इनको बड़ा गुस्सा है कि तू दलित रहे कि हम आपको बोला। अरे हम तो यही चाह रहे कि दलित और मुसलमान एक हो जाए। हम कोशिश करेंगे हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश में कैसी दारुसलाम में तख्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह उसके रसूल के सदके में दिन दिखाएगा कि काश मेरी जिंदगी में हो जाए कि आंध्र प्रदेश में मायावती मुलायम सिंह लालू की तरह दलितों की बैकवर्ड क्लास की कोई क्यादत बने। हम तैयार हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम इनके साथ काम करने को तैयार हैं। अजीजाने मिल्लत, ये सीटे के खिलाफ और फिर बोल रहे कि हम तो नेशनलिस्ट हैं, हमको हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। आपको मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है आपको, तो ये इंद्रेश कुमार किसके दोस्त है? क्या इंद्रेश कुमार का नाम समझौता एक्सप्रेस के चार्जशीट पे नहीं आया? क्या प्रवीण तोगाड़िया का नाम चार्जशीट पे नहीं आया? आज तुम अब्दुल खदीर को हम पैसे दिए तुम नाराज हो? मुझे बताओ क्या प्रज्ञा ठाकुर के लिए अडवाणी जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात नहीं किए? तुम जा सकते, हम नहीं जा सकते, ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो शिंदे होम मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जितने बम ब्लास्ट हुए बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंक्वायरी कराओ, पूरे के पूरे यही निकलेंगे, पूरे के पूरे। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किसने किया? आसिमानंद का नाम कौन है? धन सिंह कौन है? कल सांगरे कौन है? और बीजेपी वालों बताओ किसने किया काम है? नहीं, मंजिस पे बैन लगा दो, यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी पे बैन लगा दो। अरे यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी सुन लो चीफ मिनिस्टर, ये जलसे हो जाएंगे, हम निकलेंगे अब आंध्र प्रदेश का चप्पे चप्पे का दौरा करेंगे, हर गली कूचों में जाएंगे। अरे तुम्हारे जुल्म से दबने वाले नहीं है हम, मरना एक ही बार है किरण कुमार, दो बार नहीं मरते हम, एक ही बार हम मरेंगे। जब जिंदा रहेंगे तो सुन लो कांग्रेस वालों, सुन लो संघ परिवार वालों, ये हम मजलिसी हैं, हमको फखर है मजलिसी है। हम जिंदा रहेंगे तो गाजी बनकर रहेंगे, अगर मौत आएगी तो शहादत की मौत आएगी। ये हम कुछ उड़िया प्रेम के मुकाबला करना नहीं आता, आप हर एंगल से मुकाबला करो। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी पर जुल्म कर रहे हो, अकबरुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आयद होती है, उनके उस पुलिस अधिकारियों पर आयद होती है, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बोल दिए तुम, अब कोर्ट में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अजीज दोस्तों, अपनी दुआओं में अकबरुद्दीन ओवैसी को याद रखिए। आज अकबरुद्दीन ओवैसी इनके लिए एक कांटा बन चुका है हिंदुत्व ताकतों के लिए, आज अकबरुद्दीन ओवैसी एक उम्मीद बन चुका है कमजोर तबका के। आज दुआ करो अल्लाह से, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और बाकी है। अजीजान मिल्लत, अजीजान मिल्लत, आज आदिलाबाद से निजाम
निजामबाद लेकर गए, निजामबाद से फिर आदिलाबाद लेकर गए। ये लोग सिर्फ तंग करने पर तुले हुए हैं। आप दुआ करिए कि अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को और सहत दे। और अल्लाह पर हमको भरोसा है, हम लड़ेंगे इनसे, जमहूरियत के दायरे में लेकर मुकाबला करेंगे। मेरे दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बाइज्जत उनको रिहा करवाएगा। हम लड़ेंगे। तुम एक बात जहन नशीन कर लो, मेरी बात दो मिनट के लिए सुनो, अगर ठहर जाओ जाने वाले, मेरी बात जहन नशीन कर लो कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, क्या तुम मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? क्या आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे? आप हमारा साथ दीजिए। और अभी आग सुलग चुकी है, ये तुम तमाम को लेकर जाएगी। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि अल्लाह उनको कामयाब करेगा। पूरा मन जुलूस निकालिए और दुआ करते रहिए अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाखर दावा अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन।